हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये अब मैं नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे थोड़ा व्लॉग बनाने में कॉन्फिडेंस आ गया है, मज़ा भी आ रहा है। तो अभी हम फिर से ऑफिस से आ चुके हैं, डिनर वगैरह बना रहे हैं। तो चलो आपको दिखाती हूँ आज मैं क्या बना रही हूँ। एक आज मैं बना रही हूँ ये काबुली चना, मेरा मन था खाने का। देखने वाले इसको छोले बोलते हैं और चना, काले चने को वो चना बोलते हैं पर इसको छोले बोलते हैं। मतलब दिल्ली वाले क्या, इधर दिल्ली हरियाणा यूपी हर कोई वही बोलता है। तो यहाँ पे अगर बोल दो कि हाँ हमने छोले चने बनाए हैं तो लोग वो काले वाले चने समझते हैं। हर जगह का अपना अपना लैंग्वेज, अपना अपना बोलने का वे है। तो चलो कैसा देखते कैसा बन के निकलता है ये। गाइस, दिल्ली में गर्मी इतनी हो गई है ना कि पूछो मत। मतलब बाहर तो खड़े होने का मन ही नहीं करता है, मन करता है रूम में एसी खोल के पड़े रहो। और आज एक तमन्ना जो मेरी छोटी बहन का था, जो ये पूरा कर रही है, उसको था कि जब भी फ्रिज आएगा ना तो हम कोल्ड ड्रिंक में आइस क्यूब डाल के पीने से घर पे पीते हैं। तो आज ये वैसे ही कर रही है, अभी दिखाती मैं आपको। मैंने अपना मसाला ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर लिया है, इसमें मैंने पूरा सब दाल वाल दिया, फ्राई कर ली है। गाइस देखो ये सारा बटर खाली है, अब इसको चुटकी में हम लोग भर के यहाँ पे रखते हैं। एक मैं ट्रांजिशन करने का ट्राई करूँगी। लो गाइस, तो ये रहा मेरा बॉटल, चुटकी बजाते ही भर गया ये। काश ये वैसे भर जाता। अब इसको हम फ्रिज में डाल देंगे। रेडी हो गया, अब इसमें हम पानी डाल के करी बना लेते हैं, सीटी लगा लेते हैं और फिर डन हमारा। थोड़ा सा रोटी वोटी कुछ देखते हैं क्या बनाते हैं, शेयर करेंगे। गाइस ये मेरा हमारा कल वाला खीर है, इसको भी आज हम खा लेंगे। एक बार इसने ना खीर बनाया था, वो इतना टेस्टी था। और कोई मिल्क कुछ वो जो पैकेट वाला होता है वो यूज़ किया था, उसके बाद वैसा खीर बना ही नहीं। कल मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था इसमें, शायद इस वजह से हो सकता है वैसा टेस्ट ना आया हो। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई अगेन। गाइस तो ये रहा हमारा डिनर, खीर, छोले, रोटी, सैलेड और ये अचार आम का। तो हम खा के मिलते हैं। The next day. Hi guys, तो next morning हो चुका है। मैंने brush ये सब कर लिया है, freshen up हो चुकी हूँ। बस मुझे shower लेना है और भी जो भी छोटे मोटे काम करती हूँ मैं सुबह, जो दीदी करती है ऑफिस जाने से पहले, वो भी almost complete है। तो दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने fruits cut कर लिए, आज mango है, थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया। यहाँ पे सत्तू ही रेडी है, दो ग्लास पानी का बॉटल भी हमने भर लिया है दोनों का। और यहाँ ब्रेकफास्ट में आज बन गया है पोहा और ये जो फल वाला छोला था, छोले वो आज ये लेके जाएगी। और रोटी ये चावल, अच्छा ये पोहा है, मुझे लगा कि वो चावल धो के रखा है उसने भिगो के। तो अब नहा धो के फिर चलते हैं भाई अपना ऑफिस। शाम को मिलेंगे होगा तो मैं बीच में भी कुछ रिकॉर्ड कर लूँगी, कुछ हैपनिंग होगा तो नहीं तो फिर इवनिंग में मिलते हैं। अब देखो मेरा मुंह कितना फूला फूला लग रहा है, सोल्ड अप है मेरा फेस, अभी वो ठीक हो जाएगा खुद ही धीरे धीरे। तो यहाँ पे मैं ऑफिस में लंच कर रही थी, मैं दिखा रही थी कितने सारे आइटम्स मिल रहे हैं क्योंकि वेंडर फिर से चेंज हो चुका है हमारे। और यहाँ पे मैंने ऑफिस में थोड़ा सा कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, वो फेल था। बट मैं तो हाय गाइस, तो मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ, अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और दीदी का भी कॉल आया था, वो भी पहुँचने वाली है। उसने बोला था उसको मैगी खाना है तो मैगी बनाते। मैंने ऐसे सोचा था अंडा और ब्रेड खाऊंगी क्योंकि मुझे भी मैगी खाने का मन था, पर मैं ढूंढ रही थी इतने दिनों से, मेरे को मिला ही नहीं कि कहाँ है मैगी। अभी उसने बोला एक जगह है वहाँ पे है, तो अभी मैंने निकाला है, अब मैं बनाऊँगी फिर खाएँगे।
वो साग सब्जी भी लेके आई हूँ, अभी रखा है उसको धो धा के फिर रखेंगे अपनी जगह पे। सो क्या मैं बहुत अच्छे से मैगी बना रही हूँ, प्याज टमाटर ये सब डाल के बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरा ऐसा ही बहुत टाइम से मन था खाने का। चलो देखते हैं कैसा बनता है। तो ये बन गया मेरा मैगी, अब जा रही हूँ खाने, बहुत भूख लगी है मुझे, अब दीदी आएगी तो वो खाएगी अपना थोड़ा सा। सो गाइज यहाँ पे इसने एग को बॉईल कर लिया है, एग करी बनाने वाली थी दीदी लेकिन मेरा उसने प्याज व्याज भी कट कर लिया है, तो अभी देख रही हूँ। हमने अभी तक अपने रेफ्रिजरेटर को ना उसमें नॉनवेज कुछ भी आइटम नहीं डाला, क्योंकि मेरी मम्मी को ये है कि उसमें नॉनवेज मत डालो। जो हमारे घर पे भी है रेफ्रिजरेटर, उसमें मम्मी ने आज तक अभी तक नॉनवेज कुछ भी नहीं डाला है, तो उसको यहाँ का भी है। अभी हमने बोला कि एग को नहीं होगा तो स्टोर कर लेंगे, तो मम्मी कह रही थी अरे, तो अभी भी दीदी कह रही कि उसको रेफ्रिजरेटर में नहीं डालेंगे, हम अभी बॉइल्ड खा लेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। वैसे अभी मैंने बिरयानी ऑर्डर किया है बिग गेम बिरयानी से, आप लोगों को जो हमारे शॉर्ट्स देखते हैं उनको पता हुआ कि हमें बिरयानी कितना पसंद है, तभी उस पर ऑफर चल रहा था तो हमने सोचा चलो ऑर्डर कर लेते हैं। अच्छा बहुत टाइम हो गया बाहर का खाए हुए, तो मैंने तो अभी खाया था थोड़ा बहुत, इसमें बहुत टाइम बाद नहीं, ये भी छुट्टी थी तो इसका भी रोज़ बाहर का ही हो रहा था। तो गाइस फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है, अब हम इसको खोल के और पूछते हैं। तो गाइज ऑलमोस्ट सबने तो ट्राई किया ही होगा इसका बिरयानी, तो इसके साथ जिसने नहीं किया उसके लिए है साथ ये बिरयानी आता है, ये सब्स वन है हमारे लिए, ये इनफ होता है। और इसके साथ आता है ये रायता, और बहरोज के साथ तो गुलाब जामुन भी आता है पर इसके साथ नहीं आता, बट ठीक है। ये रहा हमारा बिरयानी, मेरे को लगता नहीं हमसे आज ये भी खाया जाएगा पर कोशिश पूरी रहेगी, चलो खा के मिलते हैं। अब देखो इसके साथ कितने सारे पीसेस आते, पीसेस छोटे छोटे हैं पर हमारे लिए सही है, कितने 4-5 पीस है, और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, जैसा हमें ड्राई बिरयानी पसंद है वैसा ही होता है ये। सो गाइज हमने बिरयानी की इतनी तारीफ कर दी ना कि आज का बिरयानी बिल्कुल भी खाने लायक नहीं था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी था और टेस्ट भी बहुत डिफरेंट कर रहा था, तो आज का बिरयानी हाउस तो आज का बिरयानी कुछ ज़्यादा खास नहीं था, मतलब इतना अच्छा नहीं था जैसे हमेशा टेस्टी होता है वैसा नहीं था, पता नहीं क्यों। इट वॉज अ फेल, आज का इतना कुछ खास नहीं था। चलो इसके साथ ही आज का ये व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि दो दिन से व्लॉग चलता हुआ आ रहा है, मैं अभी सौंफ खा रही हूँ, तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।